एक बारी जल्दी से अपने नोट्स पे आ जाओ गवर्नमेंट बजट के। अगर किसी को डिटर्मिनेशन में डाउट नहीं है तो, अगर किसी के डिटर्मिनेशन में डाउट है पहले वो खत्म करो। वेदिका आपने किया बेटा होमवर्क? नहीं सर। कनिष्क ने? सर मैं अभी नहीं कर पाया, हेडेक था। नोट्स कैसे नहीं है भाई गवर्नमेंट बजट के? मैं एक सेकेंड नोट्स रीसेंड कर रहा हूँ, आप लोग सारे के सारे जल्दी से आओ नोट्स पे। 12th इकोनॉमिक्स असाइनमेंट, किस किस के पास नोट्स नहीं है गवर्नमेंट बजट के? सर मेरे पास नहीं है। मेरे पास, मैंने दोनों ग्रुप्स पे भेज दिए हैं। अब आ गए? यस सर। ठीक है। सो बेटा ये हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। एक बारी आज दोबारा से देखते हैं क्या चीज होती है गवर्नमेंट बजट। सो बजट होता क्या है? तीन चीजें मैंने कही थी इसके बारे में, हमेशा आपने याद रखनी है। पहली चीज एनुअल स्टेटमेंट, दूसरी चीज एस्टिमेटेड रिसेट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स, और तीसरी चीज फिस्कल ईयर। सो अ गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड रिसेट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ओवर अ फिस्कल ईयर। ये तीन चीजें जो है कंबाइन करके डेफिनेशन बनाती हैं गवर्नमेंट बजट की। देन इसके बाद हमने एक दूसरा टॉपिक किया था जो कि था ऑब्जेक्टिव्स। छह ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे। सबसे पहला था हमारे पास रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। गवर्नमेंट जो है रीएलोकेट रिसोर्सेस इन लाइन विद सोशल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन। देन दूसरा था हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज। गवर्नमेंट जो है इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम एंड वेल्थ इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इनकम इनइक्वालिटीज। किसी को किसी भी ऑब्जेक्टिव में डाउट हो बेटा पूछ लेना, अगर किसी का मीनिंग क्लियर ना हो कोई भी एक टॉपिक का। देन थर्ड बेटा हमारे पास था स्टेबलाइजेशन एक्टिविटीज। सो हमने ये चीज देखी है जो हमारा लास्ट टॉपिक था अभी, एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के। उस टाइम पे जो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है इकोनॉमिक शॉक्स और फ्लक्चुएशन से, और मेंटेन करके रखती है प्राइस की स्टेबिलिटी। फोर्थ था मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट जो है अपने एंटरप्राइजेस लाइक रेलवेज इन सब को मैनेज भी करती है, वो भी उसके बजट का ही ऑब्जेक्टिव है। और संदीप गर्ग ने दो और लिखे थे, एक लिखा था इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें पता है क्या होता है, और एक था रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज कि एक स्टेट ज्यादा बेटर ना हो दूसरे से, सारे के सारे एरियाज जो है या कोई बैकवर्ड एरिया हो ही नहीं हमारे कंट्री के अंदर, रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज। सो ये छह पॉइंट्स हैं आपके गवर्नमेंट बजट के। किसी को डाउट किसी भी एक पार्ट के अंदर? देन नेक्स्ट चीज हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बजट। सो बजट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट की दो साइड्स होती हैं, रेवेन्यू रिसेट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सिमिलरली कैपिटल बजट की भी दो साइड्स होती हैं, कैपिटल रिसेट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। एक और तरीका होता है गवर्नमेंट बजट को रिप्रेजेंट करने का कि आप गवर्नमेंट बजट जो है
उसकी दो साइड्स बनाओ, एक बनाओ रिसेट की साइड और एक बनाओ एक्सपेंडिचर्स की साइड, एंड देन उन दोनों के अंदर दो साइड्स और बनेंगी जो कि हो जाएंगी रेवेन्यू कैपिटल एंड देन रेवेन्यू कैपिटल। बजट को समझने के लिए हमेशा ये अप्रोच यूज किया करो, बट रियल वर्ल्ड के अंदर हमेशा ऊपर वाली जो तरीका है ये स्ट्रक्चर ऑफ बजट गिना गया है कि रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। समझना अगर हो जब भी कभी भी बजट को, हमेशा नीचे वाला मेथड या नीचे वाली अप्रोच फॉलो करनी चाहिए कि दो साइड्स हैं रिसेप्ट्स की और एक्सपेंडिचर्स की। रिसेप्ट्स का मतलब होता है बेटा पैसे का आना, पैसा कब आता है हमारे पास या रिसेप्ट हमारी कब होती है। दो केसेस में सोचना है, एक असेट्स के केस में और एक लायबिलिटी के केस में। एक चीज हमेशा याद रखो, कैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ असेट। कॉमर्स वाले बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली। हम लोग यहाँ पे कैश को पार्ट नहीं मानते हैं एसेट का। सो अगर सपोज मेरे पास कोई एसेट है, जैसे कि सपोज गाड़ी है, मशीन है, मशीनरी है, या फिर सपोज यही गाड़ी की अगर बात की जाए, मैं गाड़ी का क्या करूं कि मेरे पास पैसा आए, गाड़ी खरीदूं या बेचूं? हम असेट्स होती हैं फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड एटसेट्रा, इन सब के साथ क्या किया जाए, इन्हें खरीदा जाए या बेचा जाए जिससे कि रिसेट हो, हमारी पैसा आए हमारे पास। बेचा जाए सर। खरीदा जाए किसने बोला? सर मैंने। मोहित ने? हाँ मोहित, हमने गाड़ी खरीदी, पैसा आएगा या जाएगा? आपने बोला ना, लेकिन हम कैश को असेट नहीं मानते। हाँ तो मैंने तो कैश की बात ही नहीं की है, मैं तो पैसा आने की बात कर रहा हूँ, उसमें असेट को नहीं गिनना। मैंने कहा असेट में तुम फर्नीचर सोचो, मशीनरी सोचो, बिल्डिंग सोचो, लैंड सोचो, मैं इन एसेट्स के साथ क्या करूँ कि मेरे पास कैश आए? बेच दो। सो बेसिकली असेट्स कम होने से आपके पास पैसा आता है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत तो नहीं है? हाँ। ऑन दी अदर हैंड लाइबिलिटीज, जैसे कि लोन वगैरह, तो मैं लोन लूं या लोन की रीपेमेंट करूं कि मेरे पास पैसा है? लोन लोगे। सो बेसिकली लाइबिलिटीज बढ़ने पर रिसेप्ट होती हैं। कोई डाउट? रिसेप्ट का मतलब होता है या तो असेट्स कम हो जाएं या फिर लाइबिलिटीज बढ़ जाएं। कोई डाउट? नो सर। एक्सपेंडिचर ऑन दी अदर हैंड वो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है रिसेप्ट्स का। जब भी आप कोई असेट एक्वायर करते हो या अपनी लाइबिलिटीज को रीपे करते हो तो उन्हें खर्चा कहा जा सकता है, क्योंकि उस केस में आपकी जेब से पैसा जाता है। क्लियर? इमेजिन करते हैं बेटा, हमने बिल्डिंग खरीदी, एक नया घर खरीदा, हमने असेट खरीदी, तो असेट तो हमारी बढ़ गई, पैसा आया होगा या गया होगा, मतलब खर्चा हुआ होगा या पैसे आए होंगे, रिसिप्ट ही होगी। एक और बार बताना क्या? मैंने घर खरीदा नया, मेरी एसेट्स बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। किसी ने कहा कम हो गई? किसने कहा कम हो गई? दिवांश ने। क्यों? सर मैंने, क्योंकि फिर अगर हमने फिर पैसा दिया ना, मैं कहता हूँ कैश को एसेट नहीं मानना बेटा, कैश को मत देख, अभी अपनी एसेट को सोच। घर बिल्डिंग जो होती है वो एसेट है, तो बिल्डिंग जब आप खरीदोगे तो आपकी एसेट बढ़ेगी या कम होंगी? बढ़ेगी। अब सोचो कि पैसा आया या गया? पैसा हमारे पास आया होगा या हमारी जेब से गया होगा जब हमने बिल्डिंग खरीदी? गया होगा। तो वो रिसेप्ट होगी या एक्सपेंडिचर होगा? रिसेप्ट होगी। एक्सपेंडिचर भाई, एक्सपेंडिचर जाना कब से रिसेप्ट होगा? तो एक्सपेंडिचर्स में या तो असेट्स की वैल्यू बढ़ती है या लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है। जैसे कि इमेजिन आपके ऊपर कोई लोन था, आपने रीपे कर दिया, आपकी जेब से कैश चला गया, खर्चा हो गया आपका, बट आपकी लायबिलिटी भी कम हो गई। तो खर्चों के केसेस में असेट्स बढ़ती हैं या लायबिलिटी कम होती है। ऑन दी अदर हैंड रिसेप्ट्स के केस में या तो असेट्स कम होती हैं या फिर
लायबिलिटीज बढ़ती हैं, कोई डाउट? किसी भी बच्चे को 1% भी डाउट है बेटा बोल दो, मैं एक बार और ऐसे इलैबोरेट कर लेता हूँ। नहीं है, देन हम आते हैं अब इसके बाद फर्दर टॉपिक्स पे। पहले हम समझते हैं रिसिप्ट को। रिसिप्ट में बेटा सबसे पहली रिसिप्ट है हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट। हमारी मेजर हेडिंग है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मीनिंग हमें पता है, या तो असेट्स कम हो रही होंगी या फिर एक और बार बता दो, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर नहीं, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। हाँ, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। चलो बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ मोहित, के एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बेटा हिंदी में? खर्चा। खर्चा मतलब पैसे का आना या जाना? जाना। तो बेसिकली यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ कैश होना चाहिए एक्सपेंडिचर में, अगर मैं ये लिखूं गलत तो नहीं होगा? हाँ, और रिसिप्ट में इनफ्लो होना चाहिए कैश का। खर्चा या आउटफ्लो ऑफ कैश कब होगा? जब हम असेट खरीदेंगे या असेट बेचेंगे या फिर लायबिलिटी बढ़ाएंगे या लायबिलिटी कम करेंगे, कौन से केस में हमारा खर्चा होगा आपके हिसाब से? पहले असेट्स का सोचते हैं। असेट्स बढ़ाएंगे जब। ठीक है, तो ये हटा दूं, कम होने वाला। हाँ। और लायबिलिटी बढ़े या कम हो तब मेरी जेब से पैसा जाना चाहिए। सोच, पैसा कब जाएगा? जब मेरी लायबिलिटी बढ़ रही होगी, कम होगी। सो बेसिकली खर्चे का मतलब होता है या तो असेट्स बढ़ जाएं या फिर लायबिलिटी कम हो जाए। ऑन दी अदर हैंड रिसिप्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है, तो असेट्स कम होना और लायबिलिटी बढ़ना। अभी क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अभी हम रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं। रिसिप्ट के केस में टेंडेंसी क्या होती है कैश की? कैश का इनफ्लो होता है और जो अदर असेट्स होती हैं हमारी, आप असेट का मतलब सोचो अदर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। तो कैश जो है सॉरी अपार्ट फ्रॉम कैश जो अदर असेट्स हैं, या तो वो कम होगी या फिर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। रिसिप्ट में सबसे पहली रिसिप्ट आती है रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पे काफी बच्चे जो हैं कॉमर्स के हैं, तो ज्यादातर बच्चों को ये चीज पता होता है कि रेवेन्यू नेचर वर्सेस कैपिटल नेचर। रेवेन्यू जो है वो रेकरिंग नेचर की चीज होती है, जो चीज रिपीट हो रही हो, और कैपिटल जो है वो नॉन रेकरिंग नेचर होती है। जैसे कि हमारे टेस्ट जो हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं या कैपिटल नेचर के होते हैं? रेवेन्यू। यश जो हमें टेस्ट सबमिट करता है वो रेवेन्यू नेचर में होते हैं या कैपिटल नेचर में होते हैं? यश, रेवेन्यू में होते हैं। तो कोई एक ऐसा बच्चा जो कैपिटल नेचर में टेस्ट सबमिट करता हो? कनिष्क, है ना कनिष्क? यस सर, पर भेज देता हूं मैं, लेट हो जाता है। ठीक है, तो यश शिवम की बात करते हैं हम, शिवम पालीवाल जी हमारे, वो भी कभी कभी टेस्ट भेजते हैं हमारे, तो वो कैपिटल नेचर के हैं। ठीक है, तो मजाक कर रहा हूँ, जिस कोई दिल पे मत लेना बात। ठीक है, रेवेन्यू नेचर मीन्स रेकरिंग, जो चीज रिपीट हो रही हो। सैलरी जो होती है बेटा एम्प्लॉयज की, वो रेवेन्यू नेचर की होती है या कैपिटल नेचर की होती है? रेंट, रेवेन्यू। रेंट भी रेवेन्यू नेचर का है। और मेड को जो आप वेजेस देते हो, रेवेन्यू। ओके, आप लोगों की इंश्योरेंस जाती होगी, हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है उसका प्रीमियम जाता होगा, वो रेवेन्यू है या कैपिटल है? कैपिटल। कैपिटल क्या वो रेकरिंग नेचर का नहीं है? नहीं, हर साल नहीं जाता? हर साल जाता है ना। हाँ, तो क्या हो गया? रेकरिंग का मतलब है एक फिक्स्ड इंटरवल में रिपीट हो रहा हो। कैपिटल का मतलब है कभी कभार, हो सकता है 5 साल में एक बारी, हो सकता है 10 साल में एक बारी। आप लोग एसी कितनी बारी लेते हो, रेकरिंग नेचर में या नॉन रेकरिंग नेचर में? नॉन रेकरिंग। हाँ, वो कैपिटल नेचर हो जाती है। अब समझ में आया सबको रेकरिंग या रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल का क्या डिफरेंस है? यस सर। मोहित आपको? यस सर, आ गया।
सो बात की जाए अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो ये वो रिसिप्ट हैं जो रिकरिंग नेचर की रिसिप्ट होती हैं गवर्नमेंट की, फिक्स्ड इंटरवल के अंदर होती ही रहती हैं। बट वैसे इनकी जो डेफिनेशन दी गई है हमारी बुक्स के अंदर, रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं विच नाइदर रिड्यूज एनी असेट नॉर इंक्रीज एनी लाइबिलिटी। देखो रिसिप्ट का मतलब बेटा हमें पता है असेट कम होना और लाइबिलिटी बढ़ना होता है, बट रेवेन्यू रिसिप्ट होती है कोई ऐसे रिसिप्ट जिससे ना तो आपकी एसेट कम हो ना ही आपकी फ्यूचर में लाइबिलिटी बढ़े। इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट लाइफ के अंदर होता है पॉकेट मनी। आप लोगों को जब पॉकेट मनी मिलती है, पेरेंट्स बदले में कुछ सामान रखवाते होंगे आप लोगों से गिरवी, ऐसा होता है कि फोन रख दो तभी ये पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, तो आपकी असेट नहीं जाती बदले में। तो जब पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं उनके पास एक डायरी बनी हुई होगी कि इस महीने के पैसे मिला के टोटल मैंने तेरे ऊपर इतने रुपए का खर्चा कर दिया है। ऐसा भी होता होगा कि आपने फ्यूचर में उन्हें रिटर्न करने कल को जब जॉब लगेगी, होता है ऐसा? नो सर। सो आपकी लायबिलिटी भी नहीं बढ़ रही। सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच नाइदर रिड्यूस एनी असेट नॉर इंक्रीज एनी लायबिलिटी। गवर्नमेंट की ऐसे रिसिप्ट्स जिससे ना तो गवर्नमेंट की कोई असेट कम हो ना ही बदले में गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बढ़े, जिन्हें फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। पहले हम बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की। गवर्नमेंट के पास ऐसे कौन से पैसे आते हैं बेटा जिसके बदले गवर्नमेंट को कुछ देना नहीं पड़ता ना ही उसकी कोई लायबिलिटी बढ़ती होगी आपको लेके? चलान सुने सबने? यस सर। कई लोगों के हुए भी होंगे चलान्स और फाइन्स या पेनल्टीज। यस सर। तो जब आपका चलान होता है तो बदले में गवर्नमेंट जो है वहां पे आपको कुछ देती होगी कि आपने 1500 रुपए भरे हैं तो ये लो आप जो है 1500 रुपए की वर्थ की चीज लेके जाओ हमारे पास से, 2500 भरे हैं तो 2500 रुपए की वर्थ की चीज लेके जाओ, ऐसा होता है? पर्ची दे देते हैं। पर्ची तो क्या ही है, पर्ची तो नेग्लिजिबल अमाउंट है, अब तो पर्ची भी नहीं दी जाती भाई, सब ऑनलाइन हो गया। ठीक है। सो जब चलान गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो गवर्नमेंट की कोई एसेट कम होती है बदले में, आपको कुछ देती है उस पैसे के बदले? नो सर। तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती होगी फ्यूचर में, ये 1500 रुपए विद इंटरेस्ट आपको वापस करती होगी? नो सर। सर जो पुलिस वाले उनको तो सैलरी देती है, तुम्हारे लिए लायबिलिटी बढ़ती है बेटा या नहीं गवर्नमेंट की? वो तो अगर तुम चलान नहीं भी भरोगे वो तो गवर्नमेंट ने तब भी सैलरी देनी देनी है, तुम्हारे पैसे से ही देगी वो सिर्फ, मतलब वो हिसाब बनाती होगी कि इस महीने मेरे को इतने चलान काटने ही काटने हैं वरना मैं एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं दे पाऊंगी, गवर्नमेंट सोचती होगी ऐसा? नहीं। फिर वो तो उनकी फिक्स्ड वो है कि देना ही देना है, उनका एक्सपेंस है वो वहां पे देख लेंगे हम। बट ये जो आपसे वो चलान ले रही है या पेनल्टी लगा रही है, क्या उसके बदले उसने आपको कुछ देना है? नहीं। तो फिर ये गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाती है, जो कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट तो है, मतलब ना तो गवर्नमेंट की असेट कम हो रही है ना लायबिलिटी बढ़ रही है, बट ये टैक्स की नेचर में नहीं है, ये कोई टैक्स नहीं है जो हर किसी पर लगाया जाए। देन इसके बाद आता है बेटा गवर्नमेंट को सपोज कोई इंटरेस्ट मिला है, आप इमेजिन आप वो गवर्नमेंट, आपने बैंक में पैसे डाले हुए आपको कोई ब्याज मिल रहा है, आपका जो बैंक में सपोज आपने 50 लाख रुपए डाले हुए हैं, ये 50 लाख रुपए आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी? एसेट। एसेट। इस पे आपको सपोज 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला, अब इस इंटरेस्ट के बदले आपने कुछ इनको दिया या आपने देना है फ्यूचर में कुछ? सर। तो इस 1 लाख रुपए के बदले ना तो एसेट कम हो रही है ना ही लायबिलिटी बढ़ रही है, सो ये इंटरेस्ट जो है वो एक रेवेन्यू रिसेट है बट ये टैक्स की नेचर में नहीं है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ओके ओके सर। गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी वहां पे, गवर्नमेंट का पैसे रख दिया, मतलब गवर्नमेंट को कहां से इंटरेस्ट मिलेगा? गवर्नमेंट ने सपोज कहीं पैसे लगाए हुए हैं किसी एक उसमें प्रोजेक्ट के अंदर, किसी को लोन दिया हुआ है, फाइनेंस के लिए तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है ना।
जैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, हाँ, इन्वेस्टमेंट किए हुए वहां पे, अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया, प्रोप्राइटरी अगर परचेज की हुई है तो प्रॉफिट और डिविडेंड मिलेगा। अगर बोरोड फंड्स जो है वहां पे उसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जो डेट इक्विटी होती है, तो उसके अंदर उसे इंटरेस्ट मिलेगा। ओके हाँ। एक टर्म होती है बेटा फोर फीचर, और फीचर का मतलब होता है जब्त करना। ये मैंने उस टाइम पे भी एग्जांपल दिया था, आप कभी भी किसी भी पुलिस स्टेशन में जाओगे ना, उसके पीछे कंपाउंड में सारी गाड़ियां पड़ी हुई होती हैं, काफी सारी। ज्यादातर पुलिस स्टेशन जो होते हैं उनके पास कोई ना कोई एक एरिया होता है, या एक एरिया वाइज जो होता है उनके पास एक जगह अलॉटेड होती है जहां पे सारी की सारी गाड़ियां पड़ी होती है, जो वो फोरफीट कर लेते हैं। फोर फीचर होता है जब आप कोई एक पेनल्टी जो है गवर्नमेंट ने आपने इम्पोज की हुई है आपके ऊपर और वो आप पे ना करो, तो गवर्नमेंट आपकी वो एसेट जो है वो फोरफीट कर लेती है। जैसे कि सपोज चालान लगाया हमने कनिष्क के ऊपर, क्योंकि वो विदाउट हेलमेट था और अंडर एज था, उसके पास लाइसेंस नहीं था डीएल, तो वो जा रहा था स्कूटी पे। पुलिस ने पूछा, इसने कहा जी नहीं है, उन्होंने कहा ठीक है जी हम आपकी गाड़ी जब्त कर लेते हैं, पैसे दे के छुड़वा के ले जाना। इसने पैसे दिए नहीं, तो वो जो है गवर्नमेंट ने फोरफीट करके अपने पास ही रख ली। तो गवर्नमेंट के पास कोई एक चीज तो आ गई, बट बदले में गवर्नमेंट के पास से ना कुछ जा रहा है ना ही गवर्नमेंट ने फ्यूचर में कुछ देना है। तो फोरफीचर जो है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है, बट टैक्स नेचर में नहीं है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। फिफ्थ पॉइंट आता है बेटा गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। अभी कोरोना के अंदर सपोज गवर्नमेंट को कुछ गिफ्ट्स या ग्रांट्स मिले थे आईएमएफ से या कहीं से भी, तो बदले में उन्होंने कुछ देना नहीं है, रिसेप्ट हो गई ना, असेट कम हुई ना लायबिलिटी बढ़ी, रेवेन्यू रिसेप्ट है, टैक्स नेचर में नहीं है, तो नॉन टैक्स है। और एक और वन मार्क का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है एस चीट्स। एस चीट्स क्या होती हैं? ये है क्लेम है गवर्नमेंट का किसी पर्सन की प्रॉपर्टी पे, जो कि विदाउट एनी लीगल एयर अपना प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है, उसे एस चीट कहा जाता है। ओके okay? मतलब जैसे विजय माल्या की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, वो तो फोर फीचर हुआ ना, तो फिर एस चीट मतलब समझ नहीं आया। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा रईस आदमी है जिसका नाम है कुणाल, उसका कोई भी आगे नहीं है कोई पीछे नहीं है, वो मर गया, उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा मार्केट में जो पड़ी हुई है सारी, कौन रखेगा? जो पहले घुस जाएगा या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट डोनेट कर देंगे। मैंने डोनेट नहीं करी मरने से पहले, ऐसे ही छोड़ के चला गया मैं, रातों रात हार्ट अटैक आया मर गया बिना विल किए, अभी जीता जागता आदमी था 30-35 साल का। फिर तो गवर्नमेंट भी किस बेसिस पे रख लेगी, क्योंकि और कोई क्यों रखेगा भाई, सरकार तो उस पैसे को ढंग से यूज, कोई नहीं है भाई, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, शादी हुई। अन्ना लाल चौधरी का जैसे उसके सेकंड कजन्स भी तो रख लेते हैं। किसके? अगर कोई नहीं है तो बात हो रही है, कोई लीगल है ना हो और वो मर जाए तो, तब जो प्रॉपर्टी रखी जाती है उसे एस्टेट कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है टैक्स रेवेन्यू की। टैक्सेस जो है बेटा, ये ध्यान रखना, टैक्सेस की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है और इसके फीचर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, कि टैक्सेस जो है दे आर द लीगल एंड कंपलसरी पेमेंट लेवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन दो चीजों पे, इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, या फिर सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। तो जो टैक्स इनकम और प्रॉपर्टी पे लगते हैं ये एक्चुअली में अनअवॉइडेबल टैक्सेस होते हैं और नॉन ट्रांसफरेबल भी होते हैं। अनअवॉइडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, इनको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। ऑन दी अदर हैंड जो सेल परचेज पे लगते हैं गुड्स और सर्विसेज के, वो अवॉइडेबल और ट्रांसफरेबल होते हैं।
इन्हें कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल, डायरेक्ट टैक्स जो कि प्रॉपर्टी पे लगे या इनकम पे लगे, जैसे कि इनकम टैक्स की अगर बात की जाए, हमें पता है कि आफ्टर अ सर्टेन लिमिट अगर आपकी इनकम सपोज 2.5 लाख, 2.5 लाख है जैसे, तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर होगी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स आप कभी भी लाइफ में 2.5 लाख की इनकम जनरेट ही नहीं करोगे, हमेशा उससे कम करोगे ताकि आपको टैक्स पे ना करना पड़े। क्या ऐसा हो सकता है? ये अनअवॉइडेबल हो गए। हम तो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, यानी ये टैक्स तो जाना ही जाना है, तो ये अनअवॉइडेबल हो गया। क्या इसको ट्रांसफर किया जा सकता है? सपोज मैं चला गया यश के पास कि यश आप मेरी इनकम पे टैक्स दे दो, क्या यश पे करना प्रेफर करेगा? नो सर। यश मेरी इनकम का टैक्स पे नहीं करेगा, मैं यश की इनकम पे टैक्स पे नहीं कर सकता। सो ये नॉन ट्रांसफरेबल हो गए। बट अगर बात की जाए जीएसटी की, जीएसटी आजकल बेटा हर चीज पे होता है, जो भी आप कोई गुड या सर्विस खरीदते हो या बेचते हो उसके ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मूवी देखने गया, मैंने आई गेस एग्जाम्पल दिया भी हुआ ये वाला। मूवीज देख, अगर हम कोई मूवी देखने गए, मैंने एक टिकट ली 500 रुपीज की, प्लस उस पे 18%, 18 × 5 = 90, मेरे को पड़ी 590 रुपए की टिकट। मैंने ये टिकट खरीद ली और एकदम से मुझे कोई काम आ गया, वहां पे मुझे दिख गया मोहित। मोहित ने कहा सर मैं भी यही मूवी देखने जा रहा हूँ, मैं लाइन में क्या लगूंगा, आप मुझे पैसे लेके मेरे को टिकट दे दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं पहले टैक्स किसने पे किया था 90 रुपए का काउंटर पे? आपने। बट क्या अल्टीमेटली टैक्स मेरी जेब से गया? नो सर। अल्टीमेटली टैक्स जा रहा है मोहित की जेब से, क्योंकि मोहित ने मेरे से ले लिया। सो देखा जाए तो मैंने अपना टैक्स का जो बर्डन था 90 रुपीज का, वो मैंने शिफ्ट कर दिया या ट्रांसफर कर दिया मोहित के ऊपर। तो इन्हें कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। किसी को कोई डाउट? नो सर। जब भी आप बेटा डिफाइन करोगे डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स को, इनकी डेफिनेशन हमेशा याद रखना कि डायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू दोज टैक्सेस इन विच इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स लाई ऑन सेम पर्सन। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या है? इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, जिस आदमी के ऊपर टैक्स लगा। बर्डन ऑफ टैक्स का मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स कौन कर रहा है। तो जिस आदमी पे टैक्स का बर्डन लगेगा या जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज होगा, अगर पेमेंट भी वही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, तो वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स में डिफर, वो पर्सन टू पर्सन जो है डिफर कर सकता है। जैसे कि जब वहां पे बात हुई थी मूवी का जो काउंटर है, वहां पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स कुणाल के ऊपर था, बट पेमेंट अल्टीमेटली किसने की है? मोहित ने। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ये भी हो सकता है कि भाई किसी के साथ में गया था, पेमेंट उसने कर दी, तो टैक्स पे करना चाहिए था मुझे, बट पे किया मेरे फ्रेंड ने, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। किसी को कोई डाउट डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट? सर मेरे को एक चीज पूछनी है। हाँ जी सर, इनकम टैक्स मतलब लेती क्यों है गवर्नमेंट? क्यों लेती है? मैं बताऊं? हाँ, हम सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी से कमाते हैं, खाते रहेंगे क्या, सिर्फ कुछ देंगे नहीं क्या? इस चीज को मैं अच्छी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करता हूँ बेटा। आप जा रहे हो, आप अपनी इनकम जनरेट करते हो, तो घर पे बैठे बैठे नहीं करते, आप रोड ट्रांसपोर्ट यूज करते हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करते हो। इसके अलावा आपको एक ऐसा एनवायरमेंट दिया गया है जहां पे सेफ्टी है। इन सब चीजों की रनिंग पर या इनकी मेंटेनेंस पर कुछ खर्चा होता है। उस खर्चे के लिए गवर्नमेंट आपसे एक अमाउंट रिसीव करती है, आपसे नहीं, सिर्फ उन लोगों से जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम जो कि सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों से कुछ अमाउंट जो है वो ले रही है ताकि वो
ये चीजें मेंटेन कर सके जो वो सर्विसेज आपको दे रही है. सो ये उसका हक बनता है. ओके सर. ठीक है. बेसिकली गवर्नमेंट ने हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है या एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है जो कि जिससे कि हम अपनी अर्निंग कर रहे हैं, तो बदले में हम कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ अमाउंट जो है गवर्नमेंट को दे देते हैं. ओके. सो दैट इज व्हाई अकाउंट्स के अंदर जो टैक्स होते हैं उन्हें एक्सपेंस गिना जाता है. रीजन, गवर्नमेंट जो हमें सर्विसेज दे रही है उसके बदले हम उसे ये पेमेंट करते हैं, और सर्विसेज के बदले जो अमाउंट हम पे करते हैं टैक्स जो हो जाता है उस केस में हमारे लिए एक्सपेंस हो जाता है. किसी को कोई डाउट बेटा रिसिप्ट्स में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर टैक्स और नॉन टैक्स में? गवर्नमेंट की बेटा 65-75% इनकम जो है वो हमेशा टैक्स रेवेन्यू से होती है, ये ध्यान रखना. गवर्नमेंट की इनकम का मेजर सोर्स जो है वो टैक्स रेवेन्यू होता है. इसलिए गवर्नमेंट ट्राई करती है कि लोग जो है अपना पूरा का पूरा टैक्स पे करें और टैक्स इवेजन कम से कम हो, ताकि गवर्नमेंट की इनकम जितनी ज्यादा होगी उसकी अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप कर सकेगी. देन इसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास दूसरी तरह के रिसिप्ट जिसका नाम है कैपिटल रिसिप्ट. अब रिसिप्ट है तो अगेन या तो असेट कम होनी चाहिए या फिर लायबिलिटी बढ़नी चाहिए. रेवेन्यू में नाइदर नॉर था, कैपिटल में आइदर और या ईदर और यूज होता है. सो कैपिटल रिसिप्ट्स जो है दे रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच आइदर रिड्यूस असेट्स और इंक्रीज लायबिलिटी. इसके चार एग्जांपल हैं, सबको बाय हार्ट हमेशा याद होने चाहिए और ये आप लोग सोच भी सकते हो. कोई भी ऐसी रिसिप्ट अपनी लाइफ से सोचो जिसके बदले आपकी एसेट कम हो रही हो या आपकी लायबिलिटी बढ़ रही हो. Borrowings, loans and all. बिल्कुल सही जवाब. पहला हो गया borrowings, जिसके अंदर आपके पास पैसा आ रहा है यानी reset हो रही है but आपकी liability भी बढ़ रही है. और liability के साथ एक ही था, बाकी तीन assets के साथ होंगे. सोचो ऐसा कौन सा, क्या किया जाए assets को, या क्या कुछ सोचे जिससे कि हमारे पास पैसा है और हमारी assets कम हो जाए. पुराना फोन बेच दिया. ठीक है, इसे कहा जाता है बेटा डिस इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, किसी को याद है डिस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग? यस सर. एलपीजी लिबरलाइजेशन में पढ़ा था हमने, क्या मीनिंग था बेटा डिस इन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन में? सॉरी, सर पब्लिक सेक्टर जो जितनी भी मतलब वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उनको सेल कर दिया था प्राइवेट सेक्टर में. बेसिकली जब गवर्नमेंट अपनी मैनेजमेंट जो है पब्लिक एंटरप्राइज की पूरी तरह या उसका एक पार्ट प्राइवेट सेक्टर को दे देती है या उसे सेल करती है, दैट इज नोन एज डिस इन्वेस्टमेंट. जब गवर्नमेंट अपनी असेट्स को बेच दे, डिस इन्वेस्ट करना कहते हैं उसे. सो इस केस में गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा बट गवर्नमेंट की एसेट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी. एक एग्जाम्पल है बेटा इसका स्मॉल सेविंग्स. स्मॉल सेविंग्स को समझने का बेस्ट तरीका है मूवी थी मुझसे शादी करोगी, देखी है सबने यहाँ पे? नो सर. तो ना एक सीन होता है सलमान खान ने ना गुल्लक बनाई होती हैं. अब मेरी गुल्लक थोड़ी सी ऐसी सी दिख रही है, बेयर कर लेना, कि ये दादी के चश्मे के लिए, ये बहन की पढ़ाई के लिए और ये बहन की शादी के लिए. उसने सेविंग करके रखी है, फिर उसे पैसा चाहिए होता है वो गुल्लक तोड़ देता है. तो हुआ क्या, उसके पास पैसा तो आ गया बट जो उसकी सेविंग जो उसकी एसेट थी वो खत्म हो गई, वो रिड्यूस हो गई. एंड टाइम अप होने वाला है तो एक बार ही रिकनेक्ट कर लो जल्दी से.